हेलो जी, क्या हाल है? होप ऑल ऑफ यू वेल. सो गाइस, दिस वीडियो इज अबाउट द फोर्थ सब टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन क्वाड्रेटिक्स चैप्टर, एंड दैट इज नेचर ऑफ रूट्स. तो देखो जी, नेचर ऑफ रूट्स पे जाने से पहले थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में रिकैप करते हैं, बिकॉज यहीं से हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे होंगे. तो देखो जी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बेसिकली इस तरह की कोई चीज़ होती है. ठीक है जी, अगर इस इक्वेशन को आपके पास सॉल्व करना आता है, अगर इफ़ दे आस्क यू टू सॉल्व दिस इक्वेशन, सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें हमारे पास वाई जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो हम इस इक्वेशन को फिर सॉल्व कर रहे होते हैं. सॉल्व बेटा कितने तरीक़ों से कर सकते हैं? टोटल तीन तरीक़ों से कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइजिंग, द सेकेंड वन इज़ फॉर्मूला, एंड द थर्ड वन इज़ वॉट? द थर्ड वन इज़ योर कम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है जी, ये तीन तरीके हैं जिनसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकती है. फॉर्मूला कौन सा बेटा? क्वाड्रेटिक फार्मूला. अच्छा जी, अब आपके पास ये जब इक्वेशन सॉल्व हो रही होती है बेटा, तो ये इक्वेशन सॉल्व होते हुए हमें देख आ रही होती है. लेट्स जस्ट लुक एट दैट. तो देखो जी, अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो इस इक्वेशन से मेरे पास बेटा एक्स इंटरसेप्ट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि वाई ज़ीरो होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने में. और बेटा इसी एक्स इंटरसेप्ट्स को मैं रूट्स भी बोल रहा होता हूँ, और बेटा इसी एक्स इंटरसेप्ट्स को कभी कभी हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, और इसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फिर हम सॉल्यूशंस का नाम भी दे सकते हैं ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है जी, तो गाइस लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स डिस्कस द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है जी, तो हमारे पास जो भी सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, और वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ देम इन दिस वीडियो, एंड देन वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट के उन सॉल्यूशंस की वजह से, डिफरेंट सॉल्यूशंस के किस तरह से क्वेश्चंस टेस्ट हो सकते हैं. ऑलराइट, तो देखो जी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, बेसिकली उसकी जनरल फॉर्म ये है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये इसकी बेटा जनरल फॉर्म है. अब अगर जनरल फॉर्म हमारे पास ये है, तो a जो है वो, अगर आपके पास दो तरह की, इससे अब दो तरह की कर्व्स बन सकते हैं. अगर a ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपने याद रखना है कि मिनिमम कर्व है, और अगर a लेस देन जीरो होगा तो इट इज़ गोइंग टू बी अ मैक्सिमम कर्व. ठीक है, दिस इज ऑल व्हाट वी हैव कवर्ड बिफोर. Now I'll just be talking about a minimum quadratic curve where a is going to be the greater than zero. So guys, let's look at the curve and understand the solution, the type of solution that I am discussing over here. So let's suppose agar hamare paas ek minimum curve hai and it looks something like this. So over here we can clearly see that yahan pe hamare paas do roots aa rahe hain is curve ke, do x intercepts aa rahe hain. To main agar is tarah ki solution ho कि इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कि जो कि एक्स इंटरसेप्ट्स को दो तरह कट करती हो, तो बेटा ये जो चीज़ें हैं, ये जो दो कटिंग यहाँ जहाँ पे एक्स से एक कर्व मिल रहा है, तो ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट्स भी कहलाते हैं. ठीक है जी, ये आपके पास, इनको आप एक्स इंटरसेप्ट बोल सकते हो, या फिर आप इनको बेटा कभी कभी रूट बोल सकते हो, एक्स इंटरसेप्ट बोल सकते हो, रूट बोल सकते हो, या फिर आप इनको सोल्यूशंस बोल सकते हो. तो अब जब कभी भी हमारे पास इस तरह के दो डिफरेंट सोल्यूशंस आ रहे होंगे, दो डिफरेंट एक्स इंटरसेप्ट्स आ रहे होंगे, या दो डिफरेंट रूट्स आ रहे होंगे, तो क्या इन रूट्स के बारे में ये कहना गलत बात तो नहीं होगी कि ये रूट्स जो हैं ये रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं? रियल का क्या मतलब है? रियल का मतलब ये है कि ये कोई रियल नंबर है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, और डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स आ रहे हैं. तो मैं इसको बोल सकता हूँ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ठीक है जी, अब देखो इसके बाद जो एक और टाइप, एक और बात जो इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वो ये भी बोल सकते हैं कि दीज आर टू डिफरेंट रूट्स, या फिर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस. ठीक है जी, टू डिफरेंट रूट्स और सॉल्यूशंस. ठीक है, ये बात भी की जा सकती है इससे रिलेटेड. फिर इसके बाद मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कर्व इंटरसेक्स द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट, कर्व इंटरसेक्स द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स, मतलब ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर, टू पॉइंट्स पर मिल रहा होगा. या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कर्व और एक्स एक्सिस, कर्व एंड एक्स एक्सिस मीट ट्वाइस. हम ये सारी की सारी बातें इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं जो कि इस तरह का ग्राफिकली नज़र आता है कि एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा होगा. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यार दीज आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, वी कैन ऑल्सो कॉल देम टू डिफरेंट रूट्स और सॉल्यूशंस, और वी कैन ऑल्सो से दैट द कर्व इंटरसेक्स द एट एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कर्व एंड एक्स एक्सिस मीट ट्वाइस. ठीक है जी, तो गाइस अगर अब मैं एक इसी तरह का सोल्यूशन की बात करूं, बट फॉर अ
maximum curve where a is lesser than 0, so it is going to be a maximum curve and it is going to look something of this sort. Ke agar iska x ye is tarah ka graphically nazar aa raha ho ki aapke paas ek curve bana hua aur ye x axis ko do alag alag jagah pe cut karta ho. ठीक है जी. अब ये मैक्सिमम कर्व है और ये एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह कट करता है, तो क्या वो जो सारी बातें अभी मैं पीछे करता हुआ है आपसे, क्या मैं इस तरह के रूट के, इस तरह के कर्व के लिए भी कर सकता हूँ, उसके सॉल्यूशंस के लिए कर सकता हूँ? कि देखो जी, आपके पास एक मैक्सिमम क्वाड्रेटिक कर्व है और अभी भी ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करता है, तो दैट मीन्स आई कैन से दैट दीज आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिफरेंट रूट्स और सॉल्यूशंस हो सकते हैं. कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स एंड द कर्व एंड एक्स एक्सिस मीट ट्वाइस. तो ये बेसिकली लास्ट स्लाइड में जो मैंने बात की थी वो आपसे मिनिमम क्वाड्रेटिक कर्व के सॉल्यूशंस की बात की थी जो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट थे, बट ओवर हियर वी आर डिस्कसिंग द सेम टाइप ऑफ रूट्स और सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बट फॉर अ मैक्सिमम क्वाड्रेटिक कर्व. ठीक है जी. अब यार जो मैंने आपसे रूट डिस्कस किया है, अभी जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस किया है, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वाकई इस तरह की वैल्यू देती हो. तो देखो जी, इस तरह के सॉल्यूशंस देती हो. फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है. अब मैंने बोला जी इसको सॉल्व करके इसके एक्स इंटरसेप्ट, इसके रूट या फिर इसके सॉल्यूशंस निकाल के दिखाएं, तो आपने क्या करना होगा, आपने बेटा मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी होगी. मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए यू विल बी डूइंग फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो. तो एक्स बेटा आपने कॉमन लिया होगा, एक्स प्लस फोर माइनस टू कॉमन लिया होगा, इट इज गोइंग टू बी एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो. फिर ये क्या होगा, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस टू एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो. एंड देन इट इज गोइंग टू बी एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर एंड एक्स इक्वल्स टू टू. तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है जी. अब ये मेरे पास क्या आपको लग रहा है कि ये दो एक्स इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज आ रही हैं, ये दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ये दो रूट्स आ रहे हैं? अब अगर मुझे इसको ग्राफिकली देखना होगा, सो माय ग्राफ इज गोइंग टू बी समथिंग ऑफ द सॉर्ट कि ये एक्स एक्सिस को, वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा तमीज से बना लेते हैं. तो ये आपके पास इस तरह का कोई ग्राफ बन रहा होगा एंड दिस इज गोइंग टू कट द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एट माइनस फोर एंड एट टू. ये माइनस फोर का पॉइंट हो गया और ये हमारे पास टू का पॉइंट हो गया और हमारे पास दो अलग अलग जगह पे ये कट कर रहा है, ठीक है जी. नाउ लेट्स लुक एट अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज द सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लुक एट इट व्हेन द कर्व इज अ मिनिमम कर्व. ठीक है जी, अब मिनिमम कर्व के परस्पेक्टिव से वो सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं. तो लेट्स सपोज एक मिनिमम कर्व है बेटा एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, कि एक मिनिमम कर्व है एंड व्हेन इट, तो उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो एक्स इंटरसेप्ट है, वो कोई इस तरह की चीज़ है. अब देखो जी, ये जो कर्व, ये जो टाइप ऑफ सोल्यूशन है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही जगह से टच करता है, ठीक है जी. तो गाइस, एंड इट टचेस फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली, राइट. सो लेट्स कॉल दिस अल्फा. तो अब मैं इस तरह के सोल्यूशन के बारे में क्या बोल सकता हूँ, जब ये, क्योंकि सोल्यूशंस क्या होते हैं, सोल्यूशन एक्स इंटरसेप्ट होते हैं ना, पॉइंट वेयर द टच कर्व टचेस द एक्स एक्सिस, तो उसी को हम सोल्यूशन बोलते हैं. तो गाइज देखो, इस तरह के सॉल्यूशन के बारे में आई कैन क्लियरली कमेंट दैट दीज आर टू इक्वल रूट्स. हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि दीज आर टू इक्वल रूट्स, सही है. या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि कर्व जो है, कर्व इज टेंजेंट टू एक्स एक्सिस, ठीक है जी. कर्व जो है वो टेंजेंट है किससे, एक्स एक्सिस के साथ. और मैं एक बात ये भी कर सकता हूँ कि कर्व टचेज द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, टचेज द कर्व, सॉरी आई कैन जस्ट राइट इट एज कर्व टचेज द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, ठीक है जी. तो ये सारी बातें हम उस तरह के रूट के लिए कर रहे होंगे जहां पर बेटा एक्स ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह टच कर रहा होगा. तो अगर एक ही जगह टच कर रहा है आपके पास, तो ग्राफिकली वो इस तरह की कोई चीज़ होगी कि एक ही जगह पे टच कर रहा है. एंड यू कैन कमेंट दैट दीज आर टू इक्वल रूट्स. यू कैन ऑल्सो से दैट कर्व इज टेंजेंट टू एक्स एक्सिस, और यू कैन ऑल्सो से दैट कर्व टचेज द एक्स एक्सिस एट जस्ट वन पॉइंट, ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट द सेम टाइप ऑफ रूट, द सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ मैक्सिमम क्वाड्रेटिक कर्व. तो देखो जी, अगर हमारे पास एक मैक्सिमम क्वाड्रेटिक कर्व है वेयर ए इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स लेसर देन जीरो, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ मैक्सिमम कर्व. तो देखो, इस केस में हमारे पास क्या होगा बेटा, इस केस में वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक ग्राफिकली, कि अगर आपके पास एक मैक्सिमम कर्व है एंड इट टचेज द एक्स एक्सिस एट जस्ट वन पॉइंट, सो दैट मीन्स वॉट, कि ये अभी अगर ग्राफिकली देखें तो इस पॉइंट पे बेसिकली हमारे पास ये कर्व जो है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. तो जब कभी भी एक ही जगह टच कर रहा होता है, तो उस तरह के रूट के बारे में जो मैंने पीछे मैक्स मिनिमम कर्व के बारे में सारी बातें लिखी थी, तो वही सारी बातें मैं मैक्सिमम कर्व के लिए बोल रहा हूँ कि भाई देखो, इसके टू इक्वल रूट्स हैं,
curve is tangent to x-axis and curve touches the x-axis at one point. अब ये two equal roots का मतलब क्या है? देखो बेटा जो भी आपकी quadratic equation होती है ना उसके basically हमेशा दो solutions आते हैं, लेकिन यार दोनों solutions एक ही value होगी जब ये graph जो है ना वो एक ही जगह से touch कर रहा है, मतलब वो value एक ही है. अब आ दो सोल्यूशन है लेकिन वो सेम वैल्यू वाले दो सोल्यूशन आ रहे होंगे, जब भी वो इस तरह से ग्राफिकली नज़र आ रहा होगा कि आपका जो भी कर्व है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह से टच कर रहा होगा. तो आप इसलिए बोलोगे यार थे तो दो सोल्यूशन, दोनों इक्वल थे, लेकिन इसलिए हमने उसको लाइक एक बोल दिया कि भाई द सोल्यूशन इज दिस बिकॉज इट वॉज जस्ट टचिंग द कर्व एट वन पॉइंट. ठीक है जी. तो गाइज लेट्स लुक एट एन इक्वेशन ऑफ सच टाइप जिसके इस तरह के सोल्यूशन आ रहे हों. तो लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है विच इज समथिंग लाइक दिस के एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो. तो लेट्स सॉल्व दिस एंड लेट्स लुक एट इसके सॉल्यूशंस किस तरह से आते हैं. तो अगर मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक करने जाता हूँ सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो. एक्स कॉमन लिया बेटा तो इट इज गोइंग टू बी एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री एंड देन द रूट्स आर गोइंग टू बी एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री. तो देखो यार हमारे पास अगर ये इक्वेट होंगे जीरो के साथ तो x माइनस थ्री आ रहा है. तो देखो आ दो रूट वैल्यूज रही हैं लेकिन दोनों सेम वैल्यूज हैं, सो दैट इज वाई वी आर जस्ट गोइंग टू कॉल देम टू इक्वल रूट्स बिकॉज द वैल्यूज आर सेम बट दे आर टू बट दे आर सेम, सो दैट इज वाई वी आर जस्ट गोइंग टू कॉल देम इक्वल रूट्स. और इसका ग्राफ आपको मैंने बता दिया कि इसका ग्राफिकली इस तरह से नजर आ रहा होगा कि ये x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह से टच करता हुआ जा रहा होगा. ठीक है जी. सो नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि हमारे पास अब लेट्स जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग विद अ मिनिमम क्वाड्रेटिक कर्व. तो दिस इज अ मिनिमम कर्व वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो. तो यार देखो थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक कर्व बट नाउ इट डजंट टच द एक्स एक्सिस, मतलब एक क्वाड्रेटिक कर्व है हमारे पास इस तरह का एंड इट डजंट टच द एक्स एक्सिस. तो यार जब भी इस तरह का केस होगा कि क्वाड्रेटिक कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू बी कॉलिंग इट दिस केस एज नो रियल रूट्स. हम यहाँ पे बोलेंगे कि कर्व के कोई रूट्स है ही नहीं, मतलब कर्व के कोई एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं, कर्व के कोई सॉल्यूशंस है ही नहीं. एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज कर्व एंड एक्स एक्सिस डजंट इंटरसेक्ट, मतलब ये कर्व और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं करते. ठीक है जी. या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कर्व लाइज कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस, कर्व लाइज कम्प्लीटली अबव क्योंकि टच ही नहीं करता, उसके पास से गुजरता ही नहीं है, तो इसलिए वो उससे एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है. तो वी कैन जस्ट राइट इट एज कर्व लाइज कम्प्लीटली अबव एक्स एक्सिस. ठीक है जी. Alright, so now let us look at this case with a maximum quadratic curve. तो देखें जी अगर हमारे पास एक maximum quadratic curve होगा और उस case में अगर इस तरह का curve बन रहा होगा जो x axis को touch ही नहीं कर रहा होगा, so it is going to look something like this. It is going to look something of the sort. ठीक है. And over here also we can write like के इस curve के जो भी ये curve है इसके कोई roots exist नहीं करते because see again this is not touching the x axis. So we can comment about this that these are no real roots and the curve and x-axis doesn't intersect. Curve lies completely above x-axis. ठीक है. अब यार let's look at an equation of this sort. इसका algebraic example देखते हैं, algebraic exam एक equation देखते हैं which is gonna depict this situation. So for example मेरे पास एक quadratic equation है and it is going to be something like this. सही है जी. अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई एंड यूज़ योर कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ट्राई एंड मेक फैक्टर्स ऑफ इट. आपके पास इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशंस नहीं आ रहे होंगे. अगर आप कैलकुलेटर में डालोगे तो आपके पास आई लिखा हुआ आ रहा होगा या फिर आपके पास मैथ एरर लिखा हुआ आ रहा होगा इस सॉल्यूशन के लिए. ठीक है. इफ़ यू लाइक डू इट फ्रॉम द लाइक इक्वेशन सॉल्विंग वाले पार्ट में जाके वहाँ वो पॉलिनोमियल जो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल सेलेक्ट करके अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हो तो आपके पास आई बना हुआ आएगा बेटा आंसर में. द रीजन बीइंग कि इस इक्वेशन के देयर आर गोइंग टू बी नो सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन. दैट मींस दैट नो सॉल्यूशन का मतलब ये है नो रियल रूट, दैट द कर्व इज गोना लाई कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस. ठीक है जी. ऑलराइट जी. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व एल्जेब्रिकली. कि यार देखो अब ज़रूरी तो नहीं है ना हमेशा इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन निकालें.
सोल्यूशन निकालने के बाद उसकी नेचर के बारे में बात करें. तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू बी लुकिंग एट ग्राफिकली, बेटा हमने समझ लिया कि कितनी तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं. नाउ वी विल बी लुकिंग एट सोल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व एल्जेब्रिकली. तो यार देखो, अगर एल्जेब्रिकली क्वाड्रेटिक कर्व के सोल्यूशंस को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक बात ये डिस्कस करनी होगी. अच्छा जी, एल्जेब्रिकली समझ रहे हैं अब हम, ग्राफिकली हमने देख ली है. नाउ वी विल बी लुकिंग एट इट एल्जेब्रिकली. तो देखो जी, एल्जेब्रिकली अगर हमें इसको समझना है तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमारे पास ये बेटा एक क्वाड्रेटिक कर्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. ठीक है जी. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस तरह से होता है तो देर आर टू वेज टू सॉल्व इट. लाइक लेट्स नॉट दैट गेट ऑन टू द थर्ड. एक है मिडिल टर्म बेटा और दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो देखो जी, लेट्स फोकस ऑन क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर टुडे एंड देन वील अंडरस्टैंड हाउ डू वी डिटरमाइन द नेचर एल्जेब्रिकली. तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करूं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज व्हाट? क्वाड्रेटिक फार्मूला इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए इज माय एल्जेब्रिक फार्मूला. ठीक है जी. अब देखो यार, बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस टू बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, ये ए बी सी क्या है? देखो, ए जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी हमारे पास एक्स का कोफिशेंट है और सी हमारे पास कांस्टेंट है. अब इस फॉर्मूला में बेसिकली ये जो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर देखो बेटा इसकी जो वैल्यू है ना वो हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा. क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा. तो उस केस में आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब कभी भी आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर होगा या ग्रेटर देन ज़ीरो वाली वैल्यू होगी तो आपने ये समझना ज़रूरी है कि आपके पास उस केस में दो रूट्स आएंगे, दो वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी. किस तरह से बेटा? देखो, हमारे पास माइनस बी के साथ एक, अगर इसकी कोई वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो रही है, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो उसके साथ बेसिकली एक प्लस का साइन लगेगा एक बार और एक बार माइनस का साइन लगेगा. दैट मीन्स मेरे पास एक्स की दो अलग अलग आंसर आ रहे होंगे. एक प्लस वाले वैल्यू के साथ आ रहा होगा और एक माइनस वाली वैल्यू के साथ आ रहा होगा, और माइनस बी अपॉन टू ए दोनों में लग रहा होगा. ठीक है जी. सो दैट मीन्स जब कभी भी मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बेटा ग्रेटर देन जीरो होगा तो दैट इज व्हेन माय रूट्स आर गोइंग टू बी टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. और ये ग्राफिकली अगर इसको याद करना है तो बेटा इट इज़ द ग्राफ इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस इन दिस केस, कि ये दो अलग अलग जगह से कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को. ठीक है. अब हमारे पास क्या होता है? अब हमारे पास बेटा यही चीज़, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस जीरो के साथ लगा होता, जीरो की वैसे ही कोई औकात नहीं है, तो उस केस में माइनस बी अपॉन टू ए सिंपल सिंपल हो जाता. अगर बेटा माइनस बी अपॉन टू ए सिंपल सिंपल हो जाता, जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी, तो उस केस में आपके पास एक ही एक्स का आंसर आ जाता, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ माइनस बी अपॉन टू ए सूखा सूखा लग रहा था. तो उस केस में आपके पास याद रखना है कि आपके पास टू इक्वल रूट्स आ रहे होंगे. ठीक है जी. आपके पास उस केस में क्या हो रहा होगा बेटा? टू इक्वल रूट्स आ रहे होंगे. ग्राफिकली अगर याद करना है बेटा इसको, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ कर्व ऑफ दिस सॉर्ट, जो कि बेसिकली एक्स एक्सिस को एक ही जगह से यहाँ से टच करता हुआ जा रहा है. ठीक है जी. इट इज जस्ट टचिंग द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट. बेटा जी, अगर आपके पास ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो आ जाती, लेट सपोज ये कोई चीज़ लेस देन जीरो हो जाती, तो उस केस में तो आपके पास कैलकुलेटर ने काम करना ही छोड़ देना था. तो उस केस में आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से कोई वैल्यू नहीं आती, क्योंकि बेटा ये चीज़ अगर लेस देन जीरो होती, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट पॉसिबल. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो होता तो दैट स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल. तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल तो इन दैट केस दिस, वो बेटा कैलकुलेटर में डाले से मैथ एरर होता, तो ये पूरी चीज़ मैथ एरर के साथ सॉल्व कैसे होती? तो एक्स का मतलब वैल्यू आता ही नहीं, मैथ एरर लिखा हुआ आ जाता कैलकुलेटर में. तो इन दिस केस देर आर गोइंग टू बी नो रियल रूट्स. दैट मीन्स अगर इसका कर्व को याद करना है बेटा तो आपको याद आना चाहिए कि आपके पास द कर्व इज गोइंग टू बी समथिंग ऑफ द सॉर्ट, की एक्स एक्सिस को टच किए बगैर ऊपर से ही घूम रहा होगा. तो बेटा अगेन, नाउ वॉट, अगर सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व को देखना है एल्जेब्रिकली, तो एक ही चीज़ है जो बेसिकली इसको डिटरमाइन कर रही है. यहाँ फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन टू ए की, वैसे तो औकात है, लेकिन अगर रूट्स की नेचर डिटरमाइन करनी है तो वैसे कोई औकात नहीं है. सिर्फ और सिर्फ औकात किस चीज़ की है? ये जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ लिखी हुई है, स्क्वायर रूट के साथ नहीं, जो भी अंदर है. अगर बेटा ये कोई पॉजिटिव नंबर है
तो आपके पास स्क्वायर रूट के लगने के बाद दो आंसर आएंगे, जो कि फिर एक्स के दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, क्योंकि एक आंसर प्लस के साथ आएगा, एक आंसर माइनस के साथ आएगा। तो उस केस में आपके पास टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे और इस तरह से आपका ग्राफ होगा। लेकिन अगर इस चीज़ की वैल्यू जीरो आ रही होगी तो मतलब प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो रहा होगा, तो एक्स की एक ही वैल्यू आएगी, विच इज गोइंग टू माइनस बी अपॉन टू इसे आ जाएगी बेटा। अगर लेकिन ये लेस देन जीरो आ रहा होगा तो दैट मींस इसका आंसर अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, दैट मींस दिस पार्ट इज गोइंग टू बी मैथ एरर, विच मींस दैट दिस होल थिंग इज गोइंग टू बी अ मैथ एरर। तो इसीलिए ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को आज एक बेटा स्पेशल नाम देने लगे हैं हम, और इस स्पेशल नाम का, इसका नाम क्या है बेटा, इसका स्पेशल नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है बेटा इसका? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की बेटा अहमियत क्या है? डिस्क्रिमिनेंट की अहमियत ये है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ना आपके पास, वो बेसिकली एक शॉर्टेस्ट मेथड है, शॉर्टेस्ट और ईजीएस्ट मेथड लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड द ईजीएस्ट मेथड टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। किस लिए बेटा? नेचर ऑफ रूट्स को निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट और ईजीएस्ट मेथड है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अब कभी भी आपको बेटा नेचर ऑफ रूट्स निकालना होगा तो आपने, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा स्केच बना के चेक करो या इसको सॉल्व करके चेक करो, आपके सामने सिर्फ ये इक्वेशन आई है बेटा, इस इक्वेशन से बी उठाओ, ए उठाओ, सी उठाओ, इस तरह की बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में डालो तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता चलेगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो दैट मीन्स टू रूट्स हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अगर इक्वल टू जीरो है तो दैट मीन्स टू इक्वल रूट्स हैं, और अगर लेस देन जीरो है तो मतलब आपके पास रूट्स आएंगे ही नहीं। तो आपको अगर टू रूट्स हैं तो आप सॉल्व करके चेक कर लो कौन कौन से दो रूट्स हैं, अगर उसने आपसे रूट्स मांगे। अगर इक्वल रूट्स हैं तो बेटा जब भी आप सॉल्व करके चेक कर लो कि कौन से रूट हैं आपके पास, क्योंकि आपको नेचर तो पता है तो आपको पता होगा कि यार आंसर कैसे आएंगे। फिर अगर आपके पास रूट है ही नहीं तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो कि भाई रूट नहीं है, तो एक इक्वेशन से देख के नज़र आ रहा होगा कि भाई इसके रूट्स नहीं होंगे। लेकिन अब ना इस डिस्क्रिमिनेंट की एक और फोर्थ वैल्यू भी होती है। कभी कभी होता क्या है, कभी कभी हम ना एक क्वाड्रेटिक कर्व की इक्वेशन को देखते हैं और हम बोलते हैं यार कि समझ नहीं आ रहा कि इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे या फिर इसके इक्वल रूट्स होंगे, लेकिन हमें यह पता होता है कि भाई इसके रूट्स तो हैं। तो बेटा अगर आप कभी भी कन्फ्यूज़ होते हो कि आपके पास किस टाइप के रूट्स हैं, कि रूट्स हैं तो लेकिन किस टाइप के रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या फिर इक्वल रूट्स हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रियल रूट्स। सही है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रूट्स। तो हम यहाँ पे बेटा एक एडिशनल बात मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, इफ रूट्स आर रियल, मतलब सिर्फ हमें ये पता हो कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता किस टाइप के रियल हैं, डिस्टिंक्ट रियल हैं या इक्वल रियल हैं, देन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो भी आपका डिस्क्रिमिनेंट है, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जब आप अनश्योर होते हो कि आपके पास जो भी रूट्स हैं वो रियल हैं, आपको सिर्फ ये पता होता है कि रियल हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं या फिर इक्वल हैं, तो इन दैट केस इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, वेयर एज अगर मेरे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट होते तो बेटा मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होता, अगर मेरे पास बेटा इक्वल होते तो वो इक्वल टू जीरो होता, और अगर नो रियल रूट्स होते तो वो लेस देन जीरो होता। लेकिन सिर्फ अगर रियल है, मुझे नहीं पता डिस्टिंक्ट रियल है इक्वल रियल है, तो आई एम गोइंग टू राइट इट एज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऑलराइट जी, नाउ वी विल जस्ट बी गेटिंग ऑन टू द पार्ट वेयर वी लुकिंग एट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी विल बी गेटिंग फॉर दिस कॉन्सेप्ट। तो देखो जी, इस कॉन्सेप्ट में आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। एक पहला तो आता है आपके पास वेयर वी हैव टू, लेट्स कॉल दिस टाइप वन, and in this type we will be getting the questions of the type where we have to prove the nature। ठीक है जी, हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ नेचर प्रूफ करना होता है। तो बेटा अगर नेचर प्रूफ करना होता है, आपके पास होता क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है। अच्छा जी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो वील जस्ट यूज़ हमें क्या करना होगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट्स बेटा यूज़ करने होंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट्स लगा के वी आर गोइंग टू बी प्रूविंग द नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमें दी हुई है। अच्छा जी, डिस्क्रिमिनेंट बेटा लगाने कैसे होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लगाने के लिए आपके पास सिर्फ ए बी सी की वैल्यू होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और आपने फिर डिस्क्रिमिनेंट यूज़ कर लेने। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट बेटा ग्रेटर देन जीरो आ रहा था, विच इज़ बी, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है बेटा तो दैट मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं बेटा। अगर वही वाली वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट ही आपके पास इक्वल टू जीरो आ रही है तो दैट मीन आपके पास रियल एंड इक्वल रूट्स हैं बेटा। अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है तो दैट मीन्स आपके पास नो रियल रूट्स हैं। ठीक है जी, तो आपके पास ये तीन चीज़ें हो रही होंगी इस टाइप के सवाल में जहाँ पे आपको नेचर प्रूफ करना होगा।
बेटा लेट्स कम ऑन टू द टाइप टू ऑफ दीज क्वेश्चंस कि हमारे पास टाइप टू में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं. तो बेटा अगर टाइप टू के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आपके पास, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइप टू में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं. तो देखो यार, हमारे पास जब भी टाइप टू का होता है तो आपके पास टाइप टू में आपने करना क्या होता है, आपने बेटा अननोन्स को फाइंड आउट करना होता है. फाइंडिंग अननोन्स व्हेन नेचर ऑफ रूट्स इज गिवन. ठीक है जी, हमें क्या करना होगा टाइप टू के क्वेश्चंस में, टाइप टू के क्वेश्चंस में बेसिकली वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द अननोन्स व्हेन द नेचर ऑफ रूट इज गोइंग टू बी गिवन टू अस. ठीक है, तो अब ये जो नेचर ऑफ रूट गिवन टू अस वाला पार्ट है ना बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू बी टेकिंग दिस पार्ट एज अ हिंट गिवन टू अस. ठीक है, ये जो नेचर ऑफ रूट्स लिखे हुए हैं और ये जो गिवन वाला पार्ट है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू बी टेकिंग दिस थिंग एज अ हिंट. ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन में ना एक हिंट होगा सही, एंड वी आर गोइंग टू बी यूजिंग इट एज अ हिंट बेसिकली इन सॉल्विंग. तो देखो जी, आपके पास ये नेचर ऑफ रूट्स गिवन होगा, तो जब नेचर ऑफ रूट्स गिवन होगा तो वॉट आर वी गोइंग टू डू, हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट द अननोन्स. तो देखो जी, सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें इसमें अपनी इक्वेशन को सबसे पहले तमीज से लिखना होगा, विच इज़ गोइंग टू बी रीअरेंज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म, ताकि इस फॉर्म में इसलिए बेटा इसको करना होगा सो दैट इट इज ईजियर फॉर अस टू फाइंड आउट कि वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ, वट इज द कॉन्स्टेंट. ठीक है, फिर हम इसके बाद जब इसको रीअरेंज कर चुके होंगे, सो वी आर गोइंग टू बी डूइंग वॉट, वी आर गोइंग टू बी फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. फाइंड आउट ए बी सी निकालेंगे बेटा हम. ए बी सी निकालने के बाद होगा क्या, जब हम ए बी सी निकाल ले चुके होंगे, देन वी आर गोइंग टू बी यूजिंग द रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट. क्योंकि बेटा देखो, यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स होगा ना, वो हमें बता रहा होगा कि बेसिकली कौन किस टाइप का डिस्क्रिमिनेंट लगेगा. सही है, नेचर ऑफ रूट्स हिंट किस लिए होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ से टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जज करना ईजी हो जाएगा जब वो नेचर ऑफ रूट्स हमें बता देगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यूज़ रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट. हम यहाँ पे रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे, और ये रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करने के साथ साथ फिर हम जब रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट यूज़ कर लेंगे, तो फिर हम उस डिस्क्रिमिनेंट में ए बी सी डालेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग फॉर द अननोन. ठीक है जी, फिर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग फॉर द अननोन. तो देखो जी, हमारे पास हो क्या रहा था, हमारे पास टाइप टू में बेटा एक फाइंडिंग अननोन्स का सवाल आएगा, एक अननोन होगा क्वेश्चन में, जो कि बेसिक इक्वेशन में एक अननोन होगा और हमें लेकिन नेचर ऑफ रूट बता देगा. अब देखो, जब भी नेचर ऑफ रूट बताएगा और अननोन आएगा ना, तो ये नेचर ऑफ रूट वाला पार्ट है ना, दिस इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ हिंट. ठीक है, अब हम करेंगे क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वी आर फर्स्ट गोइंग टू बी रीअरेंजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. Then we are going to be figuring out what is A, what is B, what is C. Now this hint would help us to figure out the type of discriminant that is there. And then by using this relevant discriminant, we are going to be plugging in the values of A, B, C in the relevant discriminant. And then we are going to be just solving for the unknown. Okay, ji? So guys, now let's just hop on to the example questions. Alright, ji. Now we'll just be looking at this question. What does the question say? तो देखो जी, क्वेश्चन सेज दैट कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉर ईच इक्वेशन एंड हेंस डिसाइड इफ द इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू इक्वल रूट्स एंड नो रियल रूट्स. तो यार क्लियरली ये जो है हमारे पास बेटा टाइप वन का क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन फॉर टाइप वन, वेयर एज वी नो दैट वी आर जस्ट बीइंग आस्क्ड दैट व्हाट टाइप ऑफ अ नेचर डज ईच इक्वेशन हैव. तो हमें पहले इसके डिस्क्रिमिनेंट्स ढूंढने होंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट कि किस टाइप के रूट्स हैं. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. The first part says that x square minus 12x plus 36 equal to 0. तो देखो a क्या है बेटा, a is 1, b is minus 12, c is equal to 36. So that means b square minus 4ac, अगर इसका discriminant है तो वो कैसे आएगा, minus 12 का square minus 4 into 1 into 36. So it is going to be what, 144 minus 36 into 4 is 144. So that means discriminant की value 0 आ रही है. तो when the discriminant is equal to 0, That means what? That means कि हमारे पास the roots are going to be real and equal. ठीक है जी? So let's move on to the second part. The second part says what? X square plus 5x minus 36 equal to 0. तो बेटा A क्या है यहाँ पे? A is 1, B is 5 and C is going to be minus 36. अच्छा जी,
अब देखें जी आपके पास क्या है, अब आपने डिस्क्रिमिनेंट लगाना है. व्हाट वाज द डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट वाज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लगाते हैं तो फाइव स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस 36, तो इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट 25 प्लस 36 इंटू फोर व्हाट 144. तो बेटा ये 169 हो जाना है. अब देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, 169 आ रहा है. तो अगर 169 आ रहा है दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि इट इज़ गोइंग टू बी रियल एंड डिस्टिंक्ट ट्रूथ्स. ठीक है जी, नाउ लेट्स गेट ऑन टू द थर्ड पार्ट. तो देखो जी थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू जीरो. तो यार अब इस इक्वेशन में व्हाट इज हैपनिंग इज कि इट इज़ गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू जीरो. तो सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है. तो डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने के लिए ए इज़ 1, बी इज़ 9 एंड सी इज़ गोइंग टू बी 2. सो इट इज़ गोइंग टू बी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी. डिस्क्रिमिनेंट आता है तो बेटा इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, राइट? ओके सॉरी. सो नाउ अगेन दिस गोइंग टू बी 9 का स्क्वायर इज 81 माइनस 8. 81 माइनस 8 बिकम्स व्हाट, इट इज 73. तो यार लेकिन अगेन 73 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो. तो दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है. तो इन दिस केस ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. नाउ आई विल जस्ट बी हॉपिंग ऑन टू द पार्ट ई. तो देखो जी पार्ट ई में बेटा क्या हो रहा है, पार्ट ई में इट इज गिवन टू अस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 गिवन है और इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है बेटा. स्किन रूट्स की नेचर डिटरमाइन करनी हो, पहले डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना पड़ेगा उसके लिए. सो ए 2 है बेटा, बी माइनस 7 है, सी आपके पास 8 है. अब आपको अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट की नेचर ढूंढनी है, सो अगेन डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है. सो इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8, राइट? सो बेटा इट इज गोइंग टू बी 49, 4 इंटू 8 इज 8, 8 एंड 8 इज 64. 49 माइनस 64 इज माइनस 15. माइनस 15 बेटा लेस देन जीरो है. दैट मीन्स व्हाट कि बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी आपके पास क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है. तो इस केस में आपके पास इट इज़ गोइंग टू बी नो रियल रूट. ठीक है जी, इट इज़ गोइंग टू बी नो रियल रूट. ऑलराइट जी, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. देखो जी आपके पास क्या बोला है उसने आपको, उसने क्वेश्चन बोला है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू x हैज़ नो रियल रूट. तो यार ये जो हैज़ नो रियल रूट वाली बात है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, दिस इज़ द हिंट. Because this is going to be the nature of root. Nature of root क्या है बेटा कि no real root है. तो no real root को अगर मैं एक hint की तरह use करूँ तो मेरे पास एक बात समझ आनी चाहिए कि no real root का जो भी discriminant होता है वो less than zero होता है. अब देखें जी सवाल में देखते हैं वो क्या रहा है, पूछा क्या है उसने बेटा. सवाल में आपसे set of values of k पूछा है, मतलब उसने आपसे क्या मांगा है, उसने आपसे बेसिकली एक unknown मांगा है. ठीक है, एक unknown क्या है बेटा, k एक unknown है जिसकी उसने आपसे value मांगी है. तो now वी हैव, दिस इज़ गोइंग टू बी द टाइप टू का क्वेश्चन, बिकॉज टाइप टू के क्वेश्चन में आपके पास अननोन्स ढूंढने होते थे व्हेन द नेचर ऑफ रूट वॉज गिवन टू अस. ठीक है, तो अब देखो यार हमारे पास एक अननोन है के इस इक्वेशन में और हमें नेचर ऑफ रूट बता दिया उसने. तो उसने बोला कि आप जो है बेसिकली अननोन ढूंढ के बताओ. तो बेटा इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होता था, सबसे पहला स्टेप ये होता था टाइप टू के क्वेश्चन के लिए कि हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू kx अगर गिवन है तो वी हैव टू रीअरेंज दिस इक्वेशन. टू रीअरेंज दिस इक्वेशन वी जस्ट नीड टू राइट इट एज 2x, तमीज से लिखते हैं तो इट विल बिकम व्हाट, 10x माइनस kx प्लस 8. अब बेटा रीअरेंज करके लिख लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया. अब आपने क्या करना है, अब आपने ए बी सी निकालना है. तो ए क्या है बेटा, 2 है. लेट सपोज मेरे पास जो बी है, जो बी एक्स के साथ कोफिशियंट है, दैट इज़ गोइंग टू बी माइनस 10 एंड माइनस के. फिर बेटा जो मेरे पास सी है, इट इज़ गोइंग टू बी 8. ये तीनों चीज़ें मेरे पास किसकी, ए बी सी आ गया. अब देखो मेरे पास नेचर ऑफ रूट्स नोन था ना, तो मुझे मैंने वो हिंट के तौर पर यूज़ किया और मेरा जो रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट इस केस में लगेगा वो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी लेस देन 0 लग गया. अब मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को इस डिस्क्रिमिनेंट में डालना है एंड देन वी विल फिगर आउट व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट. तो बेटा अगर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी लेस देन 0 है तो अगर मैंने इस डिस्क्रिमिनेंट में बी डाला तो इट विल बी माइनस 10 माइनस के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 एंड लेस देन 0. अब यार देखो ये माइनस की साइन जो है ये दोनों के साथ है तो कॉमन ले सकता हूँ. अगर माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस के ऊपर स्क्वायर भी लगेगा तो इट विल जस्ट बिकम समथिंग लाइक दिस एंड देन दिस इज गोइंग 4 टू द 8 इज 64 हो गया.
एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी वॉट होल स्क्वायर भी है अभी इस पर, तो माइनस वन, क्योंकि माइनस जब कॉमन लिया तो माइनस के साथ बैठे ये स्क्वायर भी तो है ना, जब माइनस बार आएगा तो उस पर स्क्वायर भी तो रखना चाहिए, ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा मुंह उठा के, स्क्वायर लगाएगा फिर जाएगा, तो माइनस पे स्क्वायर लगा तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो नाउ वी जस्ट गोइंग टू बी एक्सपैंडिंग दिस, तो नाउ टू एक्सपैंड दिस इट विल बिकम वॉट, इट विल बिकम ए प्लस बी होल स्क्वायर, सब एक्सपैंड कर लो, सो इट इज गोइंग टू बी 200 प्लस 20 के प्लस के स्क्वायर एंड माइनस 64 लेस देन जीरो, सो देन दिस विल बिकम वॉट, के स्क्वायर माइनस प्लस 20 के प्लस 36 लेस देन जीरो हो गया, सो नाउ दिस बिकम्स वॉट, दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब यार देखो लास्ट लेक्चर में आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बेटा सॉल्व करना सिखाई है, पहले क्या करना था आपने, सबसे पहले आपने देखना था कि भाई जो भी एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन है वो पॉजिटिव वन है, बिल्कुल है, वरना आप फिर उसको नेगेटिव कॉमन लेके इधर लेकर आते तो इनइक्वालिटी का साइन शिफ्ट होता। सो नाउ व्हेन इट इज पॉजिटिव, सो वी आर जस्ट गोना सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को बेटा सॉल्व करने का क्या तरीका था कि आपने पहले ये अज्यूम करना होता है कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है बस सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हम इसके ये जो इनइक्वालिटी का कोई भी साइन उसको इक्वल टू समझ के सॉल्व करते हैं, तो इक्वल टू समझ के सॉल्व करते तो बेटा मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगा लेता मैं सबसे पहले, तो अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग इस पे लग रही होती तो इट वुड हैव बिकम समथिंग लाइक दिस, कि के कॉमन लिया होता तो के प्लस 18 होता, प्लस 2 कॉमन लिया होता तो इट इज़ गोइंग टू बी के प्लस 18 एंड देन इट वुड बिकम समथिंग लाइक दिस, के प्लस 18 के प्लस 2 एंड लेस देन 0, सो इट इज़ गोइंग टू बी के लेस देन माइनस 18 एंड के लेस देन माइनस 2। अब यार देखो ये जो वैल्यूज़ हैं ये मिडिल टर्म ब्रेक करके आई हैं और ये ऐसे आई हैं कि ये अभी ये आपके पास ये लेस देन 0 नहीं इक्वल टू 0 अज्यूम करके आई हैं यहाँ पे, तो आपके पास समझो ये के इक्वल टू 18 है और के ए इक्वल टू माइनस 12, सो दिस इज नॉट द फाइनल आंसर राइट, बिकॉज ये इनइक्वालिटी है और ये लेस देन 0 बोल रहे हैं। तो बेटा अगर आपको इस कर्व को समझना होता तो ये कर्व आपके पास कहाँ कहाँ टच कर रहा है, ये माइनस 18 और माइनस 2 पे टच कर रहा है, सो दैट मीन्स ये कर्व जो है हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ बनी हुई है अभी कि इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे एक अगर इसका स्केच देखो तो इसका स्केच जो है इट लुक्स समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कि आपके पास माइनस 18 और माइनस 2 पे कट करता हुआ जा रहा है, सो दैट मीन्स इट इज़ कटिंग द एक्स एक्सिस on two points, that is minus 2 and minus 18. अच्छा I'm just talking about not this equation, I'm just talking about this inequality right now. क्योंकि ये inequality quadratic inequality थी, क्योंकि मैं k ढूंढ रहा था और ये quadratic inequality जो है ये basically ये मतलब आपके पास इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप पहले यहाँ पे इक्वल टू जीरो रख के समझ के सॉल्व करो और फिर जो भी फाइनल आंसर मतलब इससे जो भी आंसर आता है ये फाइनल आंसर नहीं होता, फिर आपने इस ये जो दो वैल्यूज होती हैं ये इंटरसेप्ट होते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व किया होता है, तो मतलब ये एक्स एक्सिस से जहाँ कर्व कट करता है वो वाली वैल्यूज होती हैं, तो ये माइनस 2 माइनस 18 आ गया। अब क्या देखना है, अब आपने ये देखना है कि कर्व इक्वेशन में उसने आपसे मांगा क्या था, इक्वेशन में आपको इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का लेस देन जीरो वाला पार्ट मांगा था, तो दैट मीन्स उसने जो कर्व का पार्ट हमसे मांगा था वो बेसिकली हमारे पास ये वाला पार्ट होगा, ठीक है जी, सो इट इज़ गोइंग टू बी दिस पार्ट ऑफ द कर्व दैट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्स वैल्यूज हैं हम वो ढूंढ रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे जो भी एक्स वैल्यूज हैं अगर हम वो ढूंढने जाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वॉट, पहली एक्स वैल्यू ये हो सकती है, इट कुड बी दिस, इट कुड बी दिस, इट कुड बी दिस, तो मतलब सारी की सारी वैल्यूज माइनस 18 और 2 की हैं, क्योंकि देखो लेस देन 0 पे जो कर्व है वो बेसिकली ये वाला कर्व ये वाला पार्ट लेस देन 0 है, अब इसके लिए एक्स कौन कौन से, एक्स बेटा ये वाले सारे एक्स वैल्यूज हैं, तो अब ये सारे बीच के एक्स होंगे, किसके बीच के, माइनस 18 और माइनस 2 के, सो वी आर गोइंग टू बी राइटिंग इट एज वॉट, के के इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन माइनस 18 बट इट इज़ लेस देन माइनस 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर दिस केस, ठीक है जी, फॉर दिस अननोन ऑफ के। ऑलराइट जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ, दिस क्वेश्चन इज वॉट, कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के अगेन एन अननोन फॉर विच द इक्वेशन 2x² प्लस 3x प्लस के हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब देखो बोला हुआ यार डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं सो वी जस्ट नीड टू नो दैट, अगेन उसने हमें क्या बताया हुआ है, उसने हमें ये एक हिंट है बेटा, ये हिंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये एक नेचर ऑफ रूट्स है, तो अब मैं हिंट से बेसिकली करूँगा क्या, मैं अपना रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट यूज़ जो भी मुझे करना है मुझे पता चल सकता है कि रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट कौन सा है, तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स मूव ऑन। तो देखो जी हमारे पास रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है कि कौन सा होगा, क्योंकि नो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है तो मुझे पता है कि रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखें जी आपके पास जब भी कभी इस तेज का सवाल आता है कि आपके पास एक इक्वेशन में अननोन होते हैं और आपको उस इक्वेशन के रूट्स बता दिए जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बता दिए जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको अपनी इक्वेशन को तमीज़ से लिखना होता है, तो बेटा इससे ज़्यादा तमीज़ से और लिखा जा नहीं सकता ये, तो आपके पास ए जो है यहाँ पे वो 2 हो जाएगा, बी आपके पास 3k हो जाएगा और बेटा सी जो है आपके पास वो k हो जाएगा। नाउ
वी हैव फिगर्ड आउट ए बी एंड सी, तो वो नो वॉट कि वी नो द रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट राइट, कि हमें पता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इस केस के लिए ग्रेटर दैन जीरो आएगा, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, इसमें जाके डालते हैं एंड लेट्स फिगर आउट द वैल्यू ऑफ के। तो बेटा आपने अगर यहाँ के बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में ए ए बी सी की वैल्यू डाली तो इट इज़ गोइंग टू बी थ्री के होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू के एंड इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर दैन जीरो, इट इज़ गोइंग टू बी नाइन के स्क्वायर माइनस एट के ग्रेटर दैन जीरो। अब देखो यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट दिस इज नॉट सपोज टू बी सॉल्व विद मिडिल टर्म ब्रेकिंग बिकॉज ये टू टर्म्स क्वाड्रेटिक है, टू टर्म्स क्वाड्रेटिक आप बेटा कॉमन लेके सॉल्व करते हो लेवल मैथ। तो बेटा अगर यहाँ पे आपने कॉमन लिया तो k कॉमन आया तो 9k माइनस 8 हो गया एंड दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो। तो अगेन जो ये दो वैल्यूज आ रही है ना मेरे पास ये अभी ऐसे आ रही हैं जैसे मेरे पास यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, तो दैट मीन इट इज गोइंग टू बी वॉट k ग्रेटर देन जीरो आ रही है एक और ये एक वैल्यू आ रही है k ग्रेटर देन जीरो, तो इट इज गोइंग टू बी के ग्रेटर देन 8 अपॉन 9 एंड k ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। अब नाउ using these two values, these are not my final answers, these are just the values of k जो के निकल रही हैं यहाँ पे equal to zero assume करके, ठीक है, क्योंकि ये जब भी quadratic inequality आती है quadratic inequality power of the variable two, तो we just assume that यहाँ पे equal to का sign लगा हुआ है, तो ये इसकी equal to वाली values आई हैं। equal to वाली values का मतलब कि जहाँ पे graph जो है x axis को touch करता है वो वाली values हैं। तो बेटा आपके पास ये एक ज़ीरो पे टच कर रहा है और एक टच कर रहा है आपके पास कहाँ पे, एक टच कर रहा है 8/9 पे, सो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ज़ीरो ये वाला हो गया बेटा पॉइंट और ये 8/9 आपके पास ये वाला हो गया। अब इन्होंने कौन सी वाली वैल्यूज मांगी हैं हमसे, इन्होंने के की वो वाली वैल्यूज मांगी हैं जहाँ पे ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो बेटा कर्व जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो किस पार्ट पे, कर्व ग्रेटर देन ज़ीरो यार एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। अब देख लो भाई इस पार्ट पे वाई वैल्यू एक्स वैल्यूज़ क्या क्या हैं, एक्स वैल्यूज जो है हमारे पास वो इस तरह की चीज़ है बेटा कि एक एक्स वैल्यू ये हो गई दूसरी एक्स वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो सारी एक्स वैल्यूज जो हैं वो बेसिकली ये जो पॉइंट है 8/9 ये जो मेरा पॉइंट है 8/9 इससे ज़्यादा पे है ना, मतलब 8/ अगर ये कर्व को आप देखो अबव एक्स एक्सिस है तो 8/9 के आगे वाली सारी वैल्यूज़ हैं, तो मेरे पास एक आंसर हो जाएगा के ग्रेटर देन 8/9 सॉरी यार ये दिन बन गया, तो इट इज़ गोइंग टू बी के ग्रेटर देन 8/9 एंड देन माई दिस इज़ नॉट द ओनली आंसर दैट इज गोइंग टू बी देयर। तो आपने देखा कि भाई ये वाला पार्ट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाला पार्ट भी ग्रेटर देन जीरो है, तो अब आप देखो इसके लिए एक्स वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, इस पार्ट के ग्राफ के लिए एक्स वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, तो आपने क्या करना है कि एक्स पे ड्रॉप करके चेक कर लो भाई कौन कौन सी हैं। तो यार सारी वैल्यूज जीरो के पीछे वाली हैं क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है बेसिकली यहाँ पे जीरो है ना, तो ये जीरो के जब ये ऊपर जा रहा है ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तो जो भी एक्स वैल्यूज हैं वो सारी जीरो के पीछे आ रही हैं, ठीक है। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी के लेस देन जीरो एंड के ग्रेटर देन 8/9 पर मेरे पास ग्राफ जो है वो ग्रेटर देन जीरो पर आ रहा था, सही है। तो आपके पास ये जो के की वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, 8/9 हो सकता है और के लेस देन जीरो हो सकता है, दिस इज दीज आर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के। तो यार प्लीज़ ये जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहा था, ये इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस की बात कर रहा था और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस फाइनल आंसर कभी भी ये दो वैल्यूज़ नहीं होती, आपको अपना ग्राफ बना के चेक करना पड़ता है और फिर आप बताते हो कि कौन सी वाली वैल्यूज़ रेलिवेंट है और कौन सी वाली वैल्यूज सेट ऑफ वैल्यूज़ कैसे बनेगा इससे, ठीक है। तो हमेशा वो बेटा आपको ग्राफ बना के और ये वाली इनइक्वालिटी को देख के कि कौन सी इनइक्वालिटी मांगी है उसने हमसे इनिशियली, तो आप वो वाली वैल्यू देख के फिर अपना फाइनल आंसर इस तरह से स्टेट कर रहे हो। तो जी लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, इट सेज व्हाट, इट इज गिवन दैट द इक्वेशन 16x² - 24x + 10 इक्वल टू के वेयर के इज अ कांस्टेंट हैज एग्जैक्टली वन रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रूट, ठीक है जी। अब आपने एग्जैक्टली वन रूट निकालना है बेटा, तो एग्जैक्टली वन रूट निकालने के लिए यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 16x² - 24x + 10 इक्वल टू के है। तो यार देखो जब तक ना मुझे ये के नहीं मिल जाता ना तो जब तक मैं ये रूट की वैल्यू भी नहीं निकाल सकता, सही है। तो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी यूजलेस, कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट फाइंडिंग आउट दिस नोन दिस के। अब ये के कैसे आता है बेटा, लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट। तो देखो हमारे पास ना यहाँ पे एक बात लिखी हुई है एग्जैक्टली वन रूट लिखा हुआ है, तो ये एग्जैक्टली वन रूट जो है ना ये हमारे पास हिंट है बेटा। हिंट किस लिए है, क्योंकि ये जो है हमें क्या बता रहा है, ये नेचर ऑफ रूट हमें क्लियरली बता रहा है, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे नेचर ऑफ रूट आ रहा है। तो बेटा जब ये नेचर ऑफ रूट आ रहा है तो दैट मीन्स कि मुझे रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट भी पता है,
तो जब मुझे रेलेवेंट डिस्क्रिमिनेंट भी पता है और मुझे नेचर ऑफ रूट भी पता है तो दैट मीन्स मेरा काम थोड़ा सा आसान हो सकता है कि इस अननोन को ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले अगर मुझे अननोन ढूंढना होता है, नेचर ऑफ रूट्स पता होता है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी इक्वेशन को तमीज़ से लिखता हूँ ताकि रेलेवेंट डिस्क्रिमिनेंट में उसके ए बी सी डाल सकूँ। तो बेटा ए क्या आ रहा है इस केस में, 16 आ रहा है। बी आपके पास क्या आ रहा है बेटा, -24 आ रहा है। और बेटा सी आ रहा है आपके पास 10 माइनस के। सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी बी। अब मेरे पास कौन सा रेलेवेंट डिस्क्रिमिनेंट है बेटा इस केस में, मुझे पता है 1 रूट है, तो मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 है। तो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या है बेटा, बी -24 है। बेटा मेरे पास ए कितना है, ए मेरे पास है 16, और बेटा सी कितना है, 10 माइनस के है। तो दिस ऑल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। सो -24 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 576 होता है। 4 × 16 बेटा क्या होता है, 64 होता है। 10 माइनस के होता है, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना होता है, 576 -640 एंड देन +64k इक्वल टू 0। सो इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, 64k, 576 -64 इज -64 होता है, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू गेट दिस -64, अच्छा दिस ऑल्सो हैज अ प्लस बिटवीन, सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी 64k इक्वल टू 64 हो जाएगा, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। अब आपके पास ये k आपने इसलिए नहीं ढूंढा कि आपको अननोन ढूंढना है यहाँ पे, आपने इवेंचुअली तो ढूंढना है वैल्यू ऑफ दिस रूट, रूट की वैल्यू ढूंढनी है इसकी, और वो इक्वल रूट ही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये k की वैल्यू लेके जाओगे बेटा, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में जाके डालोगे। आपने जब ओरिजिनल इक्वेशन में जाके k की वैल्यू डाली तो आपके पास क्या था, 1 था। तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम -24x +9 + 10 - 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज गोइंग टू बी 16x² -24x +9 हो गया। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स ढूंढने हैं जो कि बराबर होंगे, ठीक है जी। तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 16x² -12x, मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ बेटा, 16 × 9 = 144 होता है, तो 12 के दो फैक्टर बना लिए, 24 बन जाएंगे ऐड होके। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, देन आई एम गोइंग टू टेक 4x कॉमन, तो इट इज गोइंग टू बी 4x -3 -4 कॉमन लिया बेटा, -3 कॉमन लेंगे इस केस में, तो -3 कॉमन लिया, सो इट इज गोइंग टू बी 4x -3 एंड गोइंग टू बी इक्वल टू 0। सो नाउ 4x -3 4x -3 बेटा दोनों ब्रैकेट बन गए, और इन दोनों ब्रैकेट से आपके पास आंसर आ रहा होगा x का x इक्वल टू 3/4 एंड x इक्वल टू 3/4 एंड दैट इज ऑल, ठीक है जी। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन। अच्छा सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नाउ, एंड इन दिस वीडियो वी कवर्ड नेचर ऑफ रूट्स एंड वी लुक दैट हाउ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कम एंड हाउ डू वी टैकल ईच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर द डे, वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।